हमदर्दी तो बहाना, वोट बैंक पर निशाना। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपसे इसी के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं कार्तिक दुबी लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले भी रोहिंग्या मुसलमानों पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई पे जाके आप देख सकते हैं। हमदर्दी तो बहाना, वोट बैंक पर निशाना। तो हाँ, 100% कांग्रेस रोहिंग्या मुसलमानों का सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उनको मुसलमानों की सिंपति चाहिए, उनको मुसलमानों के वोट बैंक पर निशाना लगाना है। लेकिन पूरा देश इसके खिलाफ है, रोहिंग्या मुसलमानों को हम हिंदुस्तान में नहीं रख सकते। ये आखिरी फैसला है हमारी सरकार का और पूरे हिंदुस्तानियों का, सिवाय कुछ लोगों के, जिसे कांग्रेस, जिसको वोटों के चक्कर में हिंदुस्तान को एक खतरे में डालना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अगर हम रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में हिंदुस्तान में रखते हैं तो सीधा सीधा हमारी सुरक्षा पर सवाल उठता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे देशवासियों की सुरक्षा पर कुछ भी हो, क्योंकि हमारे देशवासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कांग्रेस राजनीति कर रही है इसके ऊपर गंदी, और कुछ मुसलमानों, चलो मुसलमानों को सोचता हूँ कि हाँ, ये अब अपने लोगों का बोल सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन अब वो लोग अपने देश की भी तो सोच सकते हैं ना, कि देश में क्या होगा अगर वो लोग आतंक मचा दिया तो उनने कल को। तो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बात की है उस वीडियो में, तो ऊपर आई पे जाइए यहाँ पे और वो वीडियो देख लीजिए, आपको तो उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरी तरफ से। और अगर कल को इन लोगों ने आतंक मचाया इस देश में और इस देश का विरोध करा, देश को तोड़ने की कोई भी देशद्रोही गतिविधियां ने की, तो कांग्रेस वाले ये लिख के दे दें कि हम जेल जाने को तैयार हैं। ओबीसी लिख के दे दें कि हम जेल जाने को तैयार हूँ अगर इस रोहिंग्या मुसलमानों ने अगर कुछ भी कल को देश में देशद्रोही कार्य करें, तो कांग्रेस और ओवैसी साहब जेल जाने को तैयार हैं, तो इनका सपोर्ट करें नहीं तो ना करें। और हमारी केंद्र सरकार ने तो सीधा बोल दिया है कि हम इन लोगों को देश में नहीं रख सकते, मतलब नहीं रख सकते। सुमित अवस्थी जी ने डिबेट शो किया था हम तो पूछेंगे, जो मंडे टू फ्राइडे आता है रात 8 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पे, तो अगर आपने वो डिबेट मिस कर दी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके पूरा शो देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।